नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि सुबह के समय में लकवा की बीमारी क्यों हो जाती है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि सुबह के समय में लेटरिन बाथरूम जाने में लेट कर देते हैं, उसके कारण जो है पेट में गैस बनता है। पेट में गैस बनने के कारण लकवे फालिस की बीमारी जो है वो तुरंत हो जाती है। इसीलिए कभी भी सुबह में बिस्तर छोड़े तो सबसे पहले लेटरिन बाथरूम जाएं, उसके बाद में कोई काम करें। इससे क्या होता है कि पेट में गैस नहीं बनती है, बदहजमी नहीं रहता है और पेट जो है वो खूब सुरक्षित और अच्छा रहता है, पहला नंबर। और दूसरा नंबर है कि बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको सेहत जो है वो नहीं बनती है, वो किस कारण, जैसे कि औरत लोगों की सेहत नहीं बनती है, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोगों की सेहत नहीं बनती है तो सबसे पहले खान पान पर ध्यान दीजिए टाइम टेबल से। दोस्तों सुबह के समय में क्या करना है कि लेटरिन बाथरूम से आना है गर्मियों के मौसम में, और उसके बाद में आपको चना का सत्तू हो तो वो जरूर 50 ग्राम पी लेना चाहिए। चना का सत्तू पीने से पेट में गैस नहीं बनती है, गैस बनने के कारण जो है वो खाना जो है वो हजम नहीं होता है, पेट में नहीं अच्छा से खाने के कारण अच्छा से वो खून नहीं बन पाता है, पेट के प्रदूषण के कारण जो है वो खाना नहीं पचता है, पेट में गैस बनता है, इसके कारण जो है तरह तरह की बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो जाती है। और खाना जो है वो 3 टाइम खाइए, लेकिन टाइम टेबल से खाइए। बहुत औरतें होती है कि क्या करती है कि खाना बनाते बनाते कभी 11 बज गया 10 बज गया, कोई कोई के घर के ऐसे औरत होती हैं, तो वो जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना का नियम है दोस्तों, कभी भी खाना है तो 8 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में सुबह के समय में खा लेना चाहिए खाना। और सुबह के समय में चाय नाश्ता जरूर करना चाहिए 6-7 बजे, उसके बाद में 12-1 बजे जो है वो खाना खाना चाहिए, रोटी हो या भात जो भी आपको सूट करे शरीर में। और शाम के समय में जो है मछली खाइए, मीट खाइए, दही खाइए, दूध खाइए, पालक पनीर खाइए या राजमा की सब्जी खाइए, ये सब चीजें जो है सोयाबीन का सब्जी खाइए। सबसे ज्यादा जो है वो सोयाबीन की तेल में विटामिन मिलती है, और सोयाबीन की तेल खाने से होता है कि मोटापा बढ़ता है और सेहत जो है वो खूब अच्छा रहता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि मीट मछली नहीं खाते हैं, उनके लिए है राजमा की सब्जी, पनीर खाइए और सब चीजें जो है वो खूब खाना चाहिए। वैसे खाने से क्या होता है कि सेहत बन जाती है। और रात के समय में दूध जरूर पीजिए, दूध पीजिएगा तो आपकी सेहत बुलंद हो जाएगी, उसमें थोड़ा सा होलिस्ट डाल दीजिएगा तो और अच्छा है। इससे देखिए दोस्तों, आप लोग खान पान पर ध्यान देंगे तो लकवे फालिस की बीमारी जो है वो नहीं होगी, क्योंकि एक कमजोरी के कारण जो है वो हो जाती है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन वो खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं। जो लोग खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं उन्हीं के शरीर जो है वो बहुत कमजोर हो जाती है। तो आप लोगों से दोनों हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने औरत को जरूर खान पान पर ध्यान दीजिए और उनको अच्छे से अच्छे खाना खिलाइए, जैसे कि दाल हो गया, राजमा का सब्जी हो गया, पनीर हो गया, मीट मछली जो भी खाती है वो जरूर खिलाइए। क्योंकि आजकल आप लोग जानते ही हैं कि मर्द लोगों के शरीर पे ज्यादा काम नहीं है, लेकिन औरत लोगों को ऐसा काम है कि सुबह जगी तो भी काम, शाम के भी काम, उनको खाना बनाना रहता है, उनको एक टाइम की फुर्सत नहीं होती है। इसीलिए मर्द लोगों को ये नहीं है कि आज काम पर गए कल काम पर नहीं गए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन औरत लोगों को हर दिन हर वक्त काम है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आप लोग ऐसे वीडियो की जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो बच्चे लोगों को पढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे आप लोगों को क्या करना है कि 2 टाइम ट्यूशन लगा दीजिए और उनके खान पान पर ध्यान दीजिए और काम काज जो है उनके शरीर से कम कर दीजिए, क्योंकि उनकी जब पढ़ाई पे मन लगेगी तो वो पढ़ाई करेंगे बच्चे, और ट्यूशन जो 2 टाइम होगा तो उनकी जो शिक्षा है वो पूर्ण हो जाएगी। कम से कम आप लोग अपने बाल बच्चे को कम से कम 10-15 साल के उम्र में ही पढ़ा लीजिएगा तो आपकी उनकी जिंदगी जो है वो बन जाएगी।
जो बच्चे नहीं पढ़े लिखे रहते हैं उनकी जिंदगी जो है वो खराब हो जाती है, चल करके आगे कोई भविष्य में काम नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे ऐसे जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। और हम बताएंगे कि बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि कभी कभी कपार चक्कर देने लगता है, उसका क्या कारण है। दोस्तों बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि कच्चा पका भोजन जो है वो करने लगते हैं। बहुत औरतें या बहुत मर्द लोगों की आदत होती है कि क्या करते हैं कि वो ज्यादा आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग आलू की सब्जी खाना पसंद करते हैं तो सीवन आलू खाइएगा, जो ठंडा होता है। कोई भी आलू है या कोई भी सामान है उसमें तीन प्रकार की होती है। जो तीन प्रकार की होती है उसमें से एक होता है कि बीमारी हो जाती है और दूसरा भी बीमारी हो जाती है, एक जो है वो अच्छा वाला होता है। तो उस सब्जी को आप खाएंगे तो सबसे सुंदर होगा और शरीर भी बुलंद रहेगा। और कभी भी सब्जी बनाइए तो सब हर एक मसाला जो है वो डाल करके बनाना चाहिए, क्योंकि लाल मिर्च डालने से सब्जी में ये होता है कि हार्ट अटैक की संभावना नहीं बनी रहती है। कोई कहीं पर भी हाला करे या गदर करे उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर सब्जी में आप हरा लाल मिर्ची डालते हैं तो। लहसुन का ये काम है कि कोई आने वाला प्रदूषण जो है वो आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। तरह तरह की बीमारियां जो है जैसे कि ये कीटाणु का हो जाना, टीबी की कीटाणु जो है वो हवा में चलता है, वो हम सब्जी में अगर लहसुन डाल करके खाना बनाएंगे तो टीबी की जो रोग होने वाली होगी हमारे शरीर में वो बिल्कुल नहीं होगी। लहसुन में इतना गुण पाया जाता है। जीरा मरीच का गुण है कि अगर आप लोगों के पेट में गैस बनती है, बदहजमी होती है, तो जीरा मरीच जो है वो जरूर डालना चाहिए। अगर जीरा मरीच नहीं डालेंगे तो पेट में गैस बनेगा, बदहजमी होगी, जितना भी खाना खाएंगे वो आसानी से पचेगा नहीं। खाना पचाने में मदद जो है वो जीरा मिर्च जो है वो करता है। दोस्तों गरम मसाला जो है वो सब्जी में जरूर डालना चाहिए, उससे क्या होता है कि उसका तासीर जो होता है वो ठंडा होता है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि उनके शरीर में जो है वो गर्मी रहती है तो जीरा मिर्च खाना पसंद नहीं करते हैं, या गरम मसाला, तो गरम मसाला जो है वो जरूर डालना चाहिए। और गर्मियों के मौसम में दोस्तों क्या करना चाहिए कि प्याज जो है वो सब्जी में ज्यादा डालना चाहिए। प्याज डालने से ये होता है कि उसकी तासीर गर्म होती है, जो भी खाना खाएंगे वो ठंडा होगा और खाना जो है वो आसानी से पचेगा। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि प्याज नहीं खाते हैं। ठंडी के मौसम में दोस्तों क्या करना चाहिए कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लहसुन का प्रयोग करना चाहिए और गर्मी के मौसम में प्याज ज्यादा खाना चाहिए। वैसे करने से जो है उस सेहत अच्छा रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में जब भी उठाएं तो सुबह लेटरिन बाथरूम जाएं जाएं उसके बाद में आए तो स्नान ध्यान करें या कुछ भी करें, लेकिन सुबह जगने के बाद में लेटरिन बाथरूम जरूर जाना चाहिए। जो लोग नहीं जाते हैं उन्हीं लोगों को लकवा फालिस की बीमारी जो है होने की संभावना बना रहता है और कपार चक्कर देता है, माथे भारी रहता है, देह में दर्द, बुखार जैसा भयंकर से भयंकर बीमारी जो है वो होने की संभावना बना रहता है और आंखों की रोशनी तो बिल्कुल चली जाती है। इसीलिए सुबह में लेटरिन बाथरूम जाइए, गैस फैस नहीं बनेगा, एसिडिटी नहीं होगी, तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा, बच्चे लोगों को भी पढ़ाई में मन लगेगा। ऐसे ऐसे जो है जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसे ऐसे जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। दोस्तों माता दुर्गा जी से मैं यही हरदम हर वक्त रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप लोग हरदम हर वक्त खुशहाल रहें, जहां भी रहें वहां मस्त रहें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।